अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहिबान, आज का ये वीडियो जो है इसमें आपको अजीज़िया से किस तरह से बस पकड़कर हरम शरीफ में जाना होगा इसके बारे में। तो ये जो बिल्डिंग है आपको एक तस्वीर में नज़र आ रही है, ये पूरा इलाका अजीज़िया कहलाता है, मक्का मक्का का है ये इलाका। और पिछले साल 2022 के दौरान हज में जो हाजी लोग थे वो इस बिल्डिंग में रुके हुए थे। जो बिल्डिंग आपको दिख रही है बिल्डिंग नंबर 273 थी है, और इसके सामने थी बिल्कुल बिल्डिंग नंबर 272। और ये जो रोड जग रहा है आपको बिल्डिंग के सामने, तो उन हाजियों के लिए यहाँ पर जो है बस स्टॉप था। अब वो बस स्टॉप नंबर जो था वो है, इस तरह का हाजियों को काट दिया गया था, बस स्टॉप नंबर 9 है। और इस बस स्टैंड से निकलने वाली हर बस के ऊपर इस तरह का टैग लगा था। तो आपको जब आप हरम शरीफ में जाने के लिए निकलेंगे तो इस बात का आपको ख्याल रहे कि आपके गले में जो भी आईडी है वो आईडी और इस बस का आईडी सेम होना चाहिए। अगर आपको 9A का कार्ड दिया हुआ है तो आपको 9A के ही बस में जाके बैठना है। अब आप इस बस में बैठ गए तो हरम शरीफ को जाने के लिए आपको दो बसेस बदलना पड़ती है। मतलब पहले तो आप इस बस में बैठ गए, दूसरी बस जो है वो आपको यहाँ से लेनी है। वो बस पहली बस वाला आपको लाकर छोड़ देगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उतर जाना है। तो जब आप यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ पे एक टनल है, वो मैं आपको टनल दिखाता हूँ। ये इस तरह का टनल है। और ये जो बस आपको जो दिख रही है ये अजीज़िया से हाजियों को लेकर आई हुई बसेस है। तो आपको इस बस से उतर जाना है और आपको रोड के इस साइड आकर दूसरी बस में बैठना है। जब आप इस तरफ जाने वाली दूसरी बस में बैठेंगे तो उस बस के टैग की आपको फिक्र नहीं करनी है। उस बस पर टैग लगा होगा नहीं लगा होगा ये आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाने वाली हर बस हरम शरीफ में ही जाती है। फिर भी आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं आपकी दिल की तसल्ली के लिए। अगर आप इतना भी बोल देंगे हरम 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 तो वो बता देगा आपको आ जाइए आ जाइए। तो आपको उस बस में बैठ जाना है। और जब ये दूसरी बस आपको हरम शरीफ ते ले जाएगी, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से आपको दूसरी बस ले लेनी है। और ये एक टनल आएगा पहाड़ी, ये पहाड़ के टनल के अंदर से वो आपको लाकर यहाँ पर छोड़ देगा। ये अजीज़िया वालों का